हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्याज ले लिया है, ये 250-300 ग्राम प्याज है और इसे हमने अच्छे से छील कर धो लिया है। और ये लहसुन ले लिया है और हरी मिर्च ले ली है। इसकी चटनी बनाएंगे और इतनी टेस्टी चटनी बनती है, ये एक बार बना ली आपने तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी और बहुत आसान तरह से आपको बताऊँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ये हमने ग्राइंडर ले लिया, ग्राइंडर में ये हमने लहसुन डाल दिया और प्याज को इसमें हम कट कर लेते हैं। ये बीच का थोड़ा सा इसका पार्ट हम हटा देते हैं और इसी तरह से हम प्याज को कट कर लेते हैं। और ये हमने प्याज को कट कर लिया है और ये हरी मिर्च ले ली थी, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं बाद में भी। इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे और ये हमने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए पेस्ट हमारा बन के तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनने वाली है। जब भी आपका मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया अच्छे से गर्म हो। इसमें जीरा, राई, हींग और तेज पत्ते और कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं और इन्हें चटकने देते हैं 1-2 सेकंड के लिए। लाल मिर्ची भी डाल दिए हैं तोड़कर, इन्हें भी हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसे भी। और इसमें कुछ हम आधी चम्मच कलौंजी डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, दिखने में भी सुंदर लगेगी। और इन सभी को अच्छे से हम भून लेते हैं और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है सारी चीज़ों का। और इसमें हमने ये पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और देखिए इस तरह से अभी हमने हाई गैस कर दिए अच्छे से और फ्लो पे अच्छे से भूनना है, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे इसे हम चलाते रहेंगे। और इसमें अभी थोड़ा सा ही मसाला लगा था पेस्ट, वो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ये हमने डाल दिया है। और ये देखिए अभी हमने कुछ मसाले नहीं डाले थे, अब डालेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा भुन गया है टेस्ट के अनुसार, इसमें हमने नमक डाल दिया है और इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा ही डालना है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि हरी मिर्च इसमें हमने पहले ही पीस ली थी। और अमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गर्म मसाला डाला है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हींग आप इसमें ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगी। और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ती ये तेली नहीं हो जाए, जब तक इसे हमें चटनी को पकाना है इसे कवर करके रख देते हैं, नहीं तो ये इसके छींटे आएंगे। तो ये देखिए कवर कर दिया है 1-2 मिनट के लिए और इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए अच्छे से भून रहा है, इसका कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो गया है और अभी पकी नहीं है चटनी ये हमारी अच्छे से। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसमें और इसे अच्छे से हमने चटनी को भून लिया है और ऑयल भी इसमें छोड़ दिया है। ऑयल इसमें हमने कम डाला, अब ज़्यादा डालना चाहें तो अब डाल सकते हैं। ये हमने एक कांच का बाउल ले लिया है, इसमें ये हम चटनी को रख देते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी इस तरह से, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसे अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें। और ये देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आए और बहुत टेस्टी चटनी बनी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप पराठे से, चावल से, रोटी जिससे आपको पसंद है उससे आप इसे आप इस्तेमाल करें। और इसे आप बर्गर वगैरह बनाते हैं उस पर भी, सैंडविच पर भी लगा सकते हैं। और ये हमारी चटनी बन के तैयार है। आइए आप लोगों को पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करें। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।